झीलों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो झीलें देखेंगे सबसे पहले, इसके बाद में देखेंगे नदियां। विश्व की सबसे प्राचीन एवं गहरी झील कौन सी है? तो वो बैकाल झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? तो वो टिटिकाका झील है। मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो सुपीरियर झील है। और विश्व की फैलती झील कौन सी है? तो फैलती झील जो है वो बैकाल झील है। साइबेरिया का मोती या आंख कहा जाता है? साइबेरिया का मोती या साइबेरिया की आंख किसको कहा जाता है? तो बैकाल झील को कहा जाता है। इसके बाद में देखेंगे विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो वो वान झील है। खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान जिस झील के किनारे स्थित है वह है कौन सा है? तो वो लोपनोर झील है। कनाडा स्थित पोर्ट रेडियम किस झील के समीप है? तो यह ग्रेट बियर जो झील है, ग्रेट बैरियर लेक, ठीक है। जिस झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है तो वो ग्रेट बैरियर झील जो कि कनाडा में स्थित है। जिस झील के बीच से होकर विषुवत रेखा गुजरती है तो ये विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। इसके बाद में देखेंगे हम लोग नदियाँ। नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई का क्रम जो है वो गोदावरी, इसके बाद कृष्णा, फिर महानदी, नर्मदा और इसके बाद कावेरी नदी। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है। और चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो ये लैगून, जो खारे पानी की झील है। इसके बाद देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ये मणिपुर में है। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां एस्चुरी बनाती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये तीन नदियां जो हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कृष्णा और कावेरी के बीच कौन सा बेसिन स्थित है? तो ये पेन्नार बेसिन स्थित है। जयमंगली और चित्रावती किसकी सहायक नदी है? तो ये पेन्नार नदी की सहायक नदियां हैं। महाराष्ट्र की लोणार झील किस प्रकार की झील है? तो ये क्रेटर झील है, जिसको गर्त झील भी कहते हैं। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी है ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बार बार मार्ग परिवर्तन कर बाढ़ लाने के लिए भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो वो कोसी नदी है, जो कि बिहार से बहती है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? ये हुगली नदी की सहायक नदी है। असम और पश्चिम बंगाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये समकोसी नदी है, ये असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो ये सोन, नर्मदा और महानदी ये निकलती है। गुजरात में ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये उकाई झील जो है ये मानव निर्मित झील है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो ये हुसैन सागर जो झील है ये सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में स्थित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। पश्चिमी चंपारण जिले में कौन सी नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। बुलर झील किस प्रकार की झील है? तो ये बुलर झील जो है वो गोखुर झील है, गोखुर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर का पठार से निकलती है दामोदर नदी। स्टेनले जलाशय किस नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वेलिंगटन द्वीप किस झील में है? तो वेलिंगटन द्वीप जो है वो वेम्बनाड झील, जो कि केरल में स्थित है। जम्मू कश्मीर की बुलर झील किस नदी का हिस्सा थी? तो ये झेलम नदी का हिस्सा थी।
केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर बनाई गई कृत्रिम झील है? तो ये रिहंद रिहंद नदी पर ये बनाई गई बनाया गया है गोविंद वल्लभ पंत सागर। राजस्थान की प्रमुख लवणीय झील पंचवद्रा, डीडवाना, लोणकर, करड़सर। केरल स्थित अष्टमुड़ी झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो ये लैगून झील का उदाहरण है। चंबल बेतवा और केन ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, चंबल बेतवा और केन। कोसी नदी की 7 धाराओं में सर्वप्रमुख कौन सी है? तो वो अरुणा है। ये थे झीलों और नदियों के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि UPPCS प्री और RO के लिए महत्वपूर्ण हैं, वैसे सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।